नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा फार्म मशीनरी के ऊपर होने वाला है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाई चाहते हैं कि हम जो है थ्रेसर का बिजनेस करें। थ्रेसर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और उससे इस सीज़न में या फिर आगे आने वाले सीजन में अच्छा खासा वहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इंडिया के 5 ऐसे बेस्ट थ्रेसर मशीन के बारे में जिन्हें आप ख़रीदते हैं तो आप एक ही सीज़न में अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा थ्रेसर का चुनाव करना चाहिए, कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। तो आपको मैं 5 ऐसे कंपनी के नाम बताने वाला हूं, आप इनमें से कोई भी थ्रेसर कंपनी का आप चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों, पैडी यानी गेहूं की हार्वेस्टिंग के लिए अभी तक की सबसे बेहतरीन जो मशीन साबित हुई है, सबसे बेहतरीन जो इम्प्लीमेंट आपकी है वो है थ्रेसर। थ्रेसर की मदद से बहुत सारे किसान भाई कम समय में कम खर्चे लगाकर, जिनके पास बड़े पैमाने पर खेती रहती है, वो बहुत ही कम समय में अपने अनाज को और भूसे को अलग कर पाते हैं। तो किसान भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस सीज़न में थ्रेसर ख़रीदना है, तो मैं आपको 5 थ्रेसर के नाम बताने वाला हूं, इसमें से आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है आपका महिंद्रा थ्रेसर। तो ये जो थ्रेसर आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग कैटेगरी में आता है, पैडी हार्वेस्टिंग के लिए यानी गेहूं की थ्रेसिंग के लिए सबसे बेहतरीन थ्रेसर ये माना जाता है। और आप कम समय में कम तेल की खपत में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की थ्रेसिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद सर में दूसरे नंबर पर सबसे जो बेहतरीन आपका थ्रेसर मशीन है, लैंड फोर्स हरम्बा, जो कि केवल और केवल वीट की थ्रेसिंग के लिए, गेहूँ की थ्रेसिंग के लिए बहुत सारे किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 2 ब्लेडों में अवेलेबल कराया गया, किसानों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये थ्रेसर माना गया है। उसके बाद किसान में तीसरे नंबर जो आपका थ्रेसर आता है, स्वराज कंपनी का P550। इस थ्रेसर का इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई अलग अलग क्रॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मल्टी क्रॉप की थ्रेसिंग की कैटेगरी में आता है। इसमें आपको रस बार टाइप का सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ 3 स्टेज की इसमें सीव लगी होती है, जो भी आपकी छलनियाँ लगी होती हैं, जो कि अनाज को और कंकड़ को अलग करने के लिए छलनी लगी होती है, वो 3 स्टेजेस में इसमें लगी होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करेंगे थ्रेसर मशीन की, तो ये आपकी KS ग्रुप की जो थ्रेसिंग मशीन आती है, सबसे बेहतरीन मानी गई है उन सभी किसान भाइयों के लिए जिनके पास 45 HP का ट्रैक्टर अवेलेबल है। तो किसान भाई जिनके पास हाई पावर के ट्रैक्टर नहीं है, जिनके पास 45 से 50 HP का ट्रैक्टर है, तो आप इस थ्रेसर का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर जो आपका थ्रेसर आता है, वो आपका दास में 641 पैडी थ्रेसर। ये जो थ्रेसर है मिनी ट्रैक्टर के लिए उपयोगी कराया गया है। अगर आपके यहाँ छोटे ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, अगर आप बड़े पैमाने पे खेती नहीं की है, छोटे में अपना ही काम चलाना चाहते हैं, तो आप इस थ्रेसर का चुनाव कर सकते हैं। और इसके पास 1 से लेकर 1.5 प्रति हावर मैट्रिक टन की कैपेसिटी भी मौजूद है। तो तेल की खपत अगर आपको कम करनी है, मिनी ट्रैक्टर आपके पास है, तो आप इस थ्रेसर का चुनाव जरूर से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।